जहां तक सदर जरदारी का को धमकी दिया गया था कल वजीर आजम से, ये हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। अब इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की बहाली की खातिर, इस अवाम की मुआशी हकूक की खातिर, इस अवाम की आज़ादी की खातिर, हमारा ख़ानदान ने, हमारा जमात ने बे इंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। कायदे अवाम शहीद शाहनवाज़ भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूँ। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था, ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तज़ा और शहीद शाहनवाज़ भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है, जो मैं आपके साथ करूँगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। मेरे ख़ानदान जो रहता है, मैं आपका हाथ पे गिन सकता हूँ, एक आदमी पे कुछ भी हुआ, इस मुल्क ने, किसी ने अभी तक वो रिएक्शन नहीं देखा और ना ही आप देखना चाहते हो। ये जो बंदूक की नशिस्त की बात कर रहा था कल, हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर हम बंदूक इस्तेमाल करने जानते हैं। मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, मैं पुर अमन आदमी हूँ, मैं हमेशा और ज़िंदगी भर इंशाल्लाह ताला पुर अमन आदमी रहूँगा। सियासत करें हमारे साथ, सियासत करना हमारा हक है, सियासत करना आपका हक है।